अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यालय में नई कार्यकारिणी का गठन होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। इसमें बीजेपी प्रभारी ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की और कहा, उत्तराखंड आगामी चुनाव में बीजेपी संगठित होकर चुनाव लड़ेगी और सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ के जीत का परचम लहराएगी। अल्मोड़ा से TV24 के लिए दिनेश भट्ट की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के अभी नया संगठन का विस्तार हुआ है। हमारे रमेश भगोड़ा जी अध्यक्ष थे, अब उसके बाद अभी कुछ ही दिन पूर्व नए जिले के पदाधिकारी बने हैं। अन्य अन्य स्थानों पर नए कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला है। अपने संगठन को आगे बढ़ाना अल्मोड़ा में हमारा अच्छा जिले का एक प्रारूप है। उस प्रारूप को और हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे बूथ तक जा सकते हैं और बूथ पर जाकर पन्ने के प्रमुख बने, यह अपनी कोशिश रहेगी। अभी तक हम कहते थे हम डोर टू डोर जाते हैं, पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि हम होम टू होम जाएंगे। प्रत्येक घरों तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विचार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की नीतियां, हमारे बहुत ही कर्मठ ओजस्वी और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रत्येक होम टू होम तक जाने का प्रयास करेगा। और इसमें जो भी पार्टी ने मुझे भूमिका दी है प्रभारी के रूप में, जो भी मेरा योगदान होगा आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, यहाँ के सभी वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में, आदरणीय विधायक मंत्रियों के नेतृत्व में, हम इस भारतीय जनता पार्टी को सर्वव्यापी सर्वसर्वी बनाएंगे और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ पुनः 2024 हो, नगर पालिका का चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव में अपना परचम लगाएंगे।